नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आई पाकिस्तानी सीमा हैदर की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक बार फिर गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक की सच्चाई का पता लगाने के लिए भारत से नेपाल पहुंच गए हैं। मोमिन मलिक ने नेपाल के जिस होटल में सचिन मीणा और सीमा हैदर रुके थे, उस होटल मालिक का चौंका देने वाला इंटरव्यू मोमिन मलिक ने लिया है, उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी डाला है। उस इंटरव्यू में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आपको बता दें कि सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर का वकील गुलाम सीमा के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए नेपाल पहुंचे हैं। नेपाल के जिस होटल में सीमा हैदर रुकी थी, उस होटल के मालिक भक्त बहादुर सिंह से मिलकर वकील मोमिन मलिक ने कई बातें ऑन कैमरा रिकॉर्ड की हैं। इस होटल मालिक ने अपने इंटरव्यू में कहा कि नेपाल के तराई क्षेत्र की रहने वाली बताकर दोनों ने होटल में रूम लिया था और सीमा होटल में नमाज पढ़ती थी। होटल के मालिक ने दावा किया कि सीमा 7-8 दिन होटल में ही रही। वही होटल मालिक का कहना है कि सचिन सीमा के रूम में मिली थी शराब की बोतलें। विनायक होटल के मालिक ने बताया कि सीमा हैदर होटल से बहुत कम बाहर निकलती थी। होटल मालिक ने यह भी बताया कि उनके होटल में कोई सीमा और सचिन की शादी करवाने के लिए कोई पंडित नहीं आया और ना ही उनके सामने दोनों ने कोई शादी की। हालांकि शादी को लेकर सोशल मीडिया पर खबरें आने के बाद ही उन्हें भी आश्चर्य हुआ। आपको बता दें कि सीमा हैदर का पहला निकाह पाकिस्तान के गुलाम हैदर के साथ हुआ था। सीमा हैदर के 4 बच्चे भी हैं। ऑनलाइन गेम खेलते हुए सीमा पाकिस्तान से भारत सचिन के पास आ गई। दोनों की दोस्ती हुई, उसके बाद दोनों ने फोन पे बातें करना शुरू की थी। इसके बाद दोनों ही नेपाल में मुलाकात की और कहा जाता है कि दोनों ने नेपाल में शादी की थी। इसके बाद सीमा अपने बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते सचिन के प्यार में भारत आ गई। इसके बाद उन्होंने सचिन से कोर्ट मैरिज भी करनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय ना होने के कोई दस्तावेज नहीं थे। इस पर उनके वकील ने पुलिस को जानकारी दे दी। इसके बाद उन्हें कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी थी और दोनों की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।